स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉप 51 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस और आपका जो है बीपीएससी 3 एग्जामिनेशन 1.0 और 2.0 में जो पूछा गया है वह सारा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। तो यह फर्स्ट पार्ट है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का, जिसे हम लोग 51 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कैसा आपका लोग का रिस्पॉन्स रहता है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आपका 8 मार्क्स का वेटेज है आपका बीपीएससी 3 एग्जामिनेशंस में और बहुत ही मायने रखता है आपको मेरिट लिस्ट में लाने में। अगर यहाँ पे आप टोटल पार्ट अगर आप देख लेते हैं एमसीक्यू का, तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, आप 100% क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे 8 से 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। जो पुर्तगाली उपनिवेश थे इनका प्रथम वायसराय जो थे वह भारत में कौन हुआ, आपको भी आंसर सेलेक्ट करना है। पहला आपका ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका ऑप्शन सी है, अल्मीडा। अल्मीडा जो आपका या पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय थे भारत का। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी का आगमन हुआ, वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पुर्तगाली उपनिवेश भारत में जो आपका आया वह कौन थे, अल्मीडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, डच करता था, फ्रांसीसी करता था, पुर्तगाली, अंग्रेज या नन ऑफ दीज या नन ऑफ द एबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव। आप देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया प्री एग्जामिनेशन में। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो आपका पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो ऑप्शन में आपके अंग्रेज गिवेन है उसे किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, हॉकिंग्स, सर टॉम्स रो, एडवर्ड टेरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है हॉकिंग्स। जो हॉकिंग्स थे इनको जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। सूरत में जो है अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री 1612 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हराया था, विलियम हॉकिंग्स, थॉम्स बेस्ट, थॉम्स रो या जोसिया चाइल्ड। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है थॉम्स बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में
सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में थॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो आपका भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? जो आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह किस वर्ष जो है आपका पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? 1601, 1632, 1774, 1651, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आपका 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 ईस्वी में पटना में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। आप देख लिए कि जो आपका 65वीं जो हुआ था बीपीएससी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सेम क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? देखिए 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, यह क्वेश्चन आपका ट्री में भी आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन जो है बहुत ही रिपीटेड होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए यह। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में जो है अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनॉक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका आपका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि जो प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था इसका आपका मेन कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी। ठीक है, बांडीवास युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? जो आपका बक्सर की लड़ाई हुआ था इसके बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सालबाई संधि या इलाहाबाद संधि? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
मंगलुरु के सीत पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस वर्ष किए गए थे? 1782, 1792, 1779 या 1784? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है 1784। 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु के संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। मतलब आपको उस क्षेत्र का पहचान करना है जहां पे यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा सोडा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी के शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। इसका आपका करेक्ट आंसर है बिहार। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। ये आपका सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बीपीएससी ट्री एग्जामिनेशन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? जो आपका इलाहाबाद का संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है मोहम्मद राजा खान, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 17। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त 1765। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवान 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। कहाँ तक उसका साम्राज्य की सीमा थी? चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार या पेशावर से वाराणसी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, कोई भी ऑप्शन आपका जो इसमें करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से। इसका आपका करेक्ट आंसर है कि रंजीत सिंह शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी, अपनी राजधानी कौन सा था? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर में, बेंगलोर में या कोयम्बटूर में? कोयम्बटूर में। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के द्वारा जो राजधानी बनाया गया वह आपका था श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी?
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज? इसका आपका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन सिलिमान, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर वर्नस या ऑप्शन ए? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन सिलिमान। ठगों का उन्मूलन कैप्टन सिलिमान के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन या धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रधान को हटाना, ठगों को संगठित गिरोह का दमन? आपको जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट है? केवल एक और दो, केवल एक तीन और चार, केवल एक दो चार या केवल एक दो तीन चार? तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सती प्रथा का उन्मूलन यह आपका ट्रू है, दास प्रथा का उन्मूलन यह भी आपका सही है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान को हटाना यह आपका गलत है, ठगों के संगठित गिरोह का दमन यह आपका ट्रू है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों को संगठित गिरोह का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस संधि विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? बेलिंगटन, सिलिमैन, नेपियर या लॉरेंस? तो किस संधि को विजित कर, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है नेपियर। नेपियर संधि को विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश भारत में जो आपका कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? यह आपका बीपीएससी ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, आप यहाँ पे देखिए 11th 12th में क्वेश्चन पूछा गया, 3.0 का यह आपका यह क्वेश्चन है, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादियों नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं को गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो आपका बीपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न है, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन बांटो और राज करो नीति के कारण किया था। बांटो और राज करो की नीति के कारण जो है आपका अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पे राज किया। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में जो है आपका द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है लागू किया गया था बंगाल में द्वि शासन प्रणाली व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कर्टिस या ऑप्शन ई। तो द्वैत शासन का जनक जो है आपका, द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलजली या लॉर्ड लिट्टन। इसका आपका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यह आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस अधिकारी के द्वारा बिछाया गया था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बिछाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो था बरहिया ताल, इसके विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेलजली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? मतलब भारतीय सेना में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी वाला राइफल कब चालू किया गया? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों का जो है आपका शामिल किया गया था, चर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुमारी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी जो थे या बिहार का नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ पे देखेंगे भी। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका भी आंसर आपका कुंवर सिंह है। यह बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह आपका BPSC 3.0 में भी पूछा गया है। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? जो कुंवर सिंह जो थे वह कहाँ के राजा थे? हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर या रामपुर। तो कुंवर सिंह जो राजा थे वह जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी या मेरठ। करेक्ट आंसर है जगदीशपुर। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे?
कुंवर सिंह जो थे वह 1857 के विद्रोह में किस वर्ष शामिल हुए थे? आरा कहाँ पे मतलब किस जगह पे शामिल हुए थे? तो आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, वह आरा में शामिल हुए थे। कहाँ शामिल हुए थे? आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली से, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आपका करेक्ट आंसर है, सारा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाना साहेब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम ठीक है बेगम जीनत महल दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पटना ने के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुदार सिंह या कुशल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी, राजपूत कुंवर सिंह। पटना के 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पे केंद्र था आपका? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है जगदीशपुर, जगदीशपुर में केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फलजेक खैराबाद, नवाब लियाकत अली। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है अधिकारियों की अक्षमता, 47 का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम
1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक या जेके गोखले? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर या झांसी? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु आपका ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? जो आपका 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था, इसमें कौन भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है साहूकार और जमींदार। 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। साहूकार और जमींदार जो थे, ये आपका 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 51 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपका बिहार सिविल बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो पूछा गया था और जो आपका ट्री एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट 1 है। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, इसके लिए भी कमेंट करके बतलाएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।